हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि फेसबुक स्टोरी को कैसे प्रमोट किया जाता है, फेसबुक स्टोरी पर जो है व्यू कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो फेसबुक स्टोरी के जरिए जो है आप अपने वीडियो को जो है आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक को जो है ओपन कर लीजिएगा, आप जिस तरीके से स्टोरी लगाते हैं ठीक उसी तरीके से जो है स्टोरी लगाना है। चलिए एक हमें स्टोरी लगाकर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे कि मैंने इस इमेज को जो है चूज कर लिया है, चूज करने के बाद आप इस इमेज में जो है इफेक्ट भी दे सकते हैं, टैग भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी लगा सकते हैं। तो चलिए सी मोर ऑल ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा जो है एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन देने के बाद जैसे कि आपको अच्छा लगेगा, एनिमेशन मैंने दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ से जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको लिंक का, तो लिंक वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप यूट्यूब वीडियो का भी लिंक इनबिल्ट कर सकते हैं। इसके बाद फेसबुक आर्ट या ट्विटर का, आपका जो भी अगर सोशल मीडिया का अकाउंट होगा आप यहाँ पर लिंक जो है इनबिल्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारा यूट्यूब का लिंक है तो हम यहाँ पर जो है पेस्ट करेंगे उस लिंक को, जो मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लिंक है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ से क्लिक चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ऐड वाला ऑप्शन पर जो है ऊपर की ओर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो है लिंक जो इस पोस्ट पर जो है लग चुका है। इसके बाद शेयर वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका स्टोरी जो है यहाँ से जो फेसबुक पर लग जाएगा। इसके बाद चलिए हम प्रमोट करने का बता रहे हैं। स्टोरी लगाने के बाद आपको यहाँ नीचे में एक बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन जो है इस प्रकार का नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए जो है ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो भी है आपका ऐड जो है फेसबुक पर स्टोरीज में दिखाया जाएगा, न्यूज़ फीड में दिखाया जाएगा और इंस्टाग्राम स्टोरी में जो है दिखाया जाएगा ऐड। इसके बाद आप लोग बैक आइएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को गोल जो है चूज करना होगा। गोल चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे कि एक से गोल है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इंटरेस्ट के अनुसार जो लोगों को आप अपने जो है बिजनेस को पहुँचा सकते हैं। इसके बाद आप अपने वीडियो पर जो है मोर व्यू लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को जो है चूज कीजिएगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन को जो है चूज कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग नीचे की तरफ यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आने के बाद ऑडियंस में आप लोगों को जो है चूज करना होगा कि आप अपने वीडियो को कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, किन किन एज ग्रुप को जो है दिखाना चाहते हैं। आपका पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके पोस्ट में अगर इंटरेस्टेड होंगे आप उस लोगों को जो है दिखा सकते हैं। एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपका जो भी पोस्ट है वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, किस रीजन में, किस कौन सा स्टेट में। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी स्टेट में टारगेट करना चाहते हैं उस पोस्ट को या उस स्टोरी को दिखाने के लिए तो आपको यहाँ से उस लोकेशन को जो है चूज कर लेना होगा। लोकेशन चूज करने के लिए जैसे कि मैंने इस पोस्ट को केवल इंडिया में दिखाया जाना चाहिए तो मैंने इंडिया में चूज कर लिया है। अगर आप किसी अदर स्टेट में दिखाना चाहते हैं तो उस स्टेट का जो है नाम लिखिएगा, यहाँ पर जैसे कि शो हो जाएगा। चलिए मैंने कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा था जो ये स्टेट का नेम यहाँ पर जो है आ चुका है। अब इसके बाद आप लोग ओके कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो आ चुका है आप इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नीचे की तरफ यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा करेक्टर ऐड इंटरेस्टेड, आप अपने जो भी इंटरेस्ट के अनुसार लोगों को जो है आप अपने स्टोरी को जो है पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अगर आपका जो भी स्टोरी है, अगर आपको जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या गेम से रिलेटेड है तो आप अपने नीच के अनुसार जो लोगों को जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए जो मेरा ये बैंकिंग से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, बैंकिंग लिखेंगे, जो भी बैंक में लोग इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ यहाँ पर जैसे कि आ चुका है। देखिए यहाँ पर बैंकिंग आ गया, स्टेट बैंक आ गया। तो चलिए हम बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इंटरेस्ट के अनुसार देखिए ये सजेशन दे रहा है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं, इसके बाद मोबाइल बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम और आप अपने अनुसार जो है नीच के अनुसार जो है चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सेव वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को जो है चूज करना होगा कि आप अपने जो भी स्टोरी है किन किन एज ग्रुप को जो है दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा जो भी है कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से जो है चूज कर लिए। इसके बाद आप लोगों को नीचे में यहाँ पर चूज करना होगा कि आप जो भी स्टोरी मेल को दिखाना चाहते हैं या फीमेल को दिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम मैंने जो ऑल यहाँ पर चूज किया हुआ है। इसके बाद नीचे के यहाँ पर आइएगा तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि आपको एस्टिमेटेड इतना जो रीच है आपको देखने को जो है मिल सकता है। इसके बाद सेव ऑडियंस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आना होगा। आने के बाद अब आप लोगों को जो है यहाँ पर अपना बजट जो सेलेक्ट करना होगा कि आप अपने स्टोरी पे जो है कितना रुपया जो है खर्च करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे कि बताया जा रहा है कि चलिए हम इतना बजट आप लोग यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। बजट यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आना होगा।
अब आपको यहाँ पर डेट जो सेलेक्ट करना होगा कि एक दिन आप ऐड चलाना चाहते हैं या दो दिन या तीन दिन। तो चलिए मैंने जो है एक दिन ऐड मेरे को रन करना है। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर अगर आने के बाद अगर आप में जो है पेमेंट ऐड अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर लिंक जो है करना होगा। तो लिंक करने के लिए आपको यहाँ वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। आपका स्क्रीन जो है इस प्रकार का नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है कंट्री सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद करेंसी सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद टाइम जोन जो है सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि टाइम जोन और करेंसी सही है तो आप नीचे की तरफ जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन जो है इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि आप अपने जो पेमेंट जो ऐड करने के लिए आप पेटीएम से भी ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन को जो है चूज किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी है एटीएम कार्ड का डिटेल जो है फिलअप करना होगा, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम, सीवीवी एंड एक्सपायरी मंथ और ईयर। इसके बाद आप लोगों को सेव वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो चलिए हम पेमेंट ऐड करके आप लोगों को जो है बताते हैं। इसके बाद ऐड जो है आपका अप्रूव्ड में जाएगा। फेसबुक न्यूज फीड में जो आपका स्टोरी है इस प्रकार का जो है दिखाया जाएगा। अगर आप यूट्यूब वीडियो को जो भी है लिंक इनबिल्ड किए पेस्ट किए होंगे तो अगर इस पोस्ट पर जो भी क्लिक करेगा तो वहां पर जो है आपका वीडियो पर जो है चला जाएगा यूट्यूब वीडियो पर। पेज पर 1000 से अधिक फॉलोअर है तभी जो है आप अपने यूट्यूब वीडियो को जो है लिंक इनबिल्ड कर सकते हैं, वरना जो आप वहां पर लिंक जो है पेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपका 1000 से फॉलोअर कम है। तो होप इस वीडियो को देखने के बाद आप फेसबुक स्टोरी जो है प्रमोट करना सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट करके आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।